नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिकल एटीन एरिया बाई यूज ऑफ डबल इंटीग्रेशन तो अभी तक इस पूरे चैप्टर में आपने ये पढ़ा कि आप डबल इंटीग्रेशन फाइंड कैसे करते हो तो आपने ये देखा था कि आपको डबल इंटीग्रेशन यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया होता था डी एक्स डी वाई ओवर द गिवन रीजन ए सो ये सारे हमने देखा कि फिर ये डबल इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं बाई यूजिंग सब्सटीट्यूशन और कैसे कैसे हमने इंटीग्रेशन करनी होती है डबल इंटीग्रेशन सो ये पूरे चैप्टर में आपने पढ़ा है so, सो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे एरिया बाई यूज़ ऑफ डबल इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमें जो भी गिवन एरिया है अगर हम सिंपल उस एरिया से लिमिट्स निकाल के डी एक्स टी वाई कर दे सो एरिया इज गिवन बाई सिंपली डी एक्स टी वाई ओवर द गिवन रीजन आर तो जब हम ओवर द गिवन रीजन आर डबल इंटीग्रेशन करते हैं डी एक्स डी वाई की तो वी गेट द एरिया ऑफ द गिवन रीजन सो यहाँ पर उन्होंने जो अलग अलग दिया है वो यही बोला है कि अगर एक्स की लिमिट्स कॉन्स्टेंट हैं और वाई की लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ़ एक्स तो आपको पता है पहले हमने विध रिस्पेक्ट टू तो वाई इंटीग्रेट करना होता है और फिर विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स करना होता है ऑन द अदर हैंड अगर आपको सॉरी ऑन द अदर हैंड अगर आपको जैसे कि सेकेंड केस में y की लिमिट्स कॉन्स्टेंट दी हुई हैं बट x की लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ़ y, सो so हम पहले विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे इंटीग्रेट और फिर विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे देन एरिया ऑफ द रीजन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स सो पोलर कोऑर्डिनेट्स में अब एरिया ऑफ द रीजन क्या हो जाएगा जब आपको पता है जब आप x को और y को r और थीटा के टर्म्स में x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा में चेंज करते हैं तो हमारा जो कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज हो जाता है तो यहाँ पे आर जो को आता है डी एक्स डी वाई के साथ सो दैट इज़ वाई एरिया ऑफ द रीजन इज गिवन बाय आर डी आर डी थीटा नाउ अगेन इट डिपेंड्स कि अगर आर इज़ अ फंक्शन लिमिट्स ऑफ आर आर फंक्शन ऑफ़ थीटा तो हम पहले विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट करेंगे और फिर थीटा की कॉन्सटेंट है तो बाद में करेंगे ऑन द अदर हैंड अगर थीटा की लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ आर हैं तो हमें पहले विद रिस्पेक्ट टू तो थीटा इंटीग्रेट करना होता है और फिर विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट करना होता है तो ये बेसिकली हम ये सारा कुछ इस पूरे चैप्टर में पढ़ आए हैं सो so, अब बस इसमें नई चीज ये है कि जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है दे आर सिंपली सेंग फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल यूजिंग द डबल इंटीग्रेशन सो एरिया ऑफ द सर्कल हमने सिंपल सर्कल ले लिया यूनिट सर्कल नॉट यूनिट सर्कल सिंपल सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एक्सक्वेर लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी एक्सक्वेर प्लस वाई स्क्वल टू ए स्क्र अब आपको पता है ये जो सर्कल बनता है ये ऐसे बनता है विथ सेंटर एट ओरिजिन सो दिस सर्कल इज सिमेट्रिकल सबसे पहले तो देखो जब हमने एरिया निकालना ऑफ दिस तो हम क्या करेंगे डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन आर मैंने अगर पहले एक्स लिखा है तो मैं यहाँ से एक्स की लिमिट्स निकालूंगी और फिर वाई की तो इन्होंने क्या बोल रहे हैं ये दे आर दैट द सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द तो आपको पता है कि अगर हम सर्कल का एरिया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल लें और उसको फोर से मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया सो दैट इज़ वाई उन्होंने क्या किया लिमिट्स में वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया सो फोर टाइम्स जब हम वाई क्योंकि ये पहले वाई के लिमिट्स ले रहे हैं सो so वाई के लिमिट्स के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लगती है सो वाई इज इक्वल टू जीरो सॉरी वा गलत बोल दिया मैंने y के लिमिट्स के लिए हमारे पास वर्टिकल लाइन लगती है ऐसे सो so y इज इक्वल टू जीरो से लेके सर्कल के ऊपर y की वैल्यू यहाँ से आएगी वाई स्कोर इक्वल टू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट वाई फर्स्ट क्वार्टर में क्योंकि वाई पॉजिटिव होता है तो जीरो टू प्लस ऑफ अंडर उटे स्क्वायर माइनस एक्स स्क्र और एक्स की लिमिट्स आ जाएंगी जीरो टू ए सो रिमेंबर एक्स की लिमिट्स जीरो टू ए और वाई की लिमिट्स जीरो टू दिस कर्व तो क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में लिमिट्स निकाल इंटीग्रेशन निकाल के उसको फोर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आंसर आपका तब भी यहीं पहुंच जाओगे <coughs> फिर क्या करते हैं हम वाई की लिमिट्स होती है लोअर कर्व टू अपर कर्व सो माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वाई की लिमिट्स क्या हो जाएंगी सॉरी ये वाई की निकाल ली हमने और एक्स की हो जाएंगी माइनस ए टू ए इंटू बी वाई बी एक्स क्योंकि हमने पहले वाई की लिमिट्स लिखी हैं सो so, ऐसे भी कर सकते थे आप तो आपको पता है वन जो है वो इवन फंक्शन होता है तो ये टू टाइम्स ज़ीरो टू हो जाएगा एंड सो so ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इंटीग्रेशन की जो अब आप आपको अच्छे से आनी चाहिए अगर आपको इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ में प्रॉब्लम होती है सो यू कैन परचेज अ बुक और अगर आपके पास प्लस टू की बुक्स पढ़ी हैं सो प्लीज़ रेफर टू दोज़ बुक्स इफ़ यू आर कन्फ्यूज बाई एनी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन बिकॉज इसमें पूरी इंटीग्रेशन ही यूज़ होनी है नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखो बिल्कुल सेम फाइन द एरिया इनक्लोज यूजिंग डबल इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द इलिप्स यूजिंग डबल इंटीग्रेशन सो अब इलिप्स का हमने देखना है एरिया फाइंड करना है सो so, इलिप्स हम ऐसे सपोज करते हैं सो so, इलिप्स में अब आपको पता है इलिप्स भी सिमेट्रिकल होता है देखो अगर हम x को माइनस एक्स और y को माइनस वाई से रिप्लेस करें तो कर्व सेम में, में रहता है जिससे हमें पता लगता है दैट द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन तो जब कर्व सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है तो हम क्या करेंगे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल के उसको फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे सो एरिया इज सिंपली गिवन बाय डी एक्स बी वाई अब एक्स की लिमिट्स निकालनी है अगर तो हम लगाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक्स की लिमिट्स यहाँ पर है जीरो टू इस एलिप्स के ऊपर यानी कि यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी वन माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर अंडर रूट और साथ में प्लस माइनस ए बट क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर कर रहे हैं जिसमें एक्स पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू हट जाएगी सो एक्स की लिमिट्स आ गई जीरो टू ए अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर और फिर y के लिमिट्स क्या आ जाएंगी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ज़ीरो एंड मैक्सिमम वैल्यू इज बी सो उसको हम फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे सो so, इन्होंने पहले y के लेके फिर x की किया हम पहले x की लेके फिर y की कर सकते हैं सो वन की इंटीग्रेशन तो सिंपल आ जाती है तो आप कर लेना नेक्स्ट सारी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ हुई हैं जो आपको आनी चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें सो विद रिस्पेक्ट टू बाय इंटीग्रेट करने से लिमिट्स पुट करने के बाद अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र आ गया जिसकी इंटीग्रेशन हमें पता है एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्र बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय फिर आप लिमिट्स पुट कर दोगे पहले ए पुट की फिर जीरो पुट की सो फाइनली आंसर इज कमिंग टू बी बाय ए बी ना नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द एरिया इन क्लोज बाय द पैराबोलास सो एरिया इज सिंपली गिवन बाय डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई सो आपको पता है ये वाई स्क्वर इक्वल टू फोर एक्स वाला पैराबोला है हमारे पास और ये एक्स स्क्वेर इज इक्वल टू फोर ए वाई वाला पैराबोला तो रीजन इन्होंने रिक्वायर्ड रीजन को शेड कर दिया सो इंटीग्रेशन सिंपली हो जाती है डी एक्स डी वाई तो अगर हम एक्स की लिमिट्स लेंगे तो ग्रीन वाला कर्व यानी कि टू अंडर रूट ए एक्स से लेके रेड कर्व रेड कर्व मतलब कि एक्स कज ईक्वल टू फोर ए वाई दैट इज़ एक्स इज ईक्ल टू प्लस माइनस टू अंडर रूट ए वाई क्योंकि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो एक्स की वैल्यू प्लस आ जाएगी सो तो ये एक्स की लिमिट्स आ गई वाई की लिमिट्स देखेंगे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकाल के दिखाया है इन्होंने ईजी है सो तो जीरो ज़ीरो और फोर ए फोर ए पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं कर्व्स सो so, वाई के लिमिट्स आगे जाएंगी जीरो टू फोर है सो सिंपल इंटीग्रेशन है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें इन्होंने पहले विद रिस्पेक्ट टू तो वाई निकाल के फिर एक्स किया मैंने पहले एक्स निकाल के फिर वाई करके दिखाया आपको सो अकॉर्डिंगली यू विल गेट द आंसर सिंपल इंटीग्रेशन है देखो वन की इंटीग्रेशन y फिर लिमिट्स पुट की लिमिट्स पुट करने से ये आ गया यहाँ पे भी इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है अंडर रूट एक्स की इंटीग्रेशन आपको आती है एक्स की इंटीग्रेशन भी आती है सो so, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स पुट कर देंगे जीरो टू फोर ए सो जीरो से तो ये जीरो ही बन रहा होगा फोर ए टर्म से आंसर आ जाएंगे सो आंसर इज फाइनली कमिंग टू बी सिक्सटीन ए स्क्वायर थ्री नेक्स्ट है फाइंड द एरियालोज बाय द कार्डियोइड आर इज इक्वल टू ए वन माइनस सो so, ये मैंने आपको पहले भी बोला ये कुछ एक कर्व्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे थोड़ा सा आप अपनी मेमोरी के लिए इसको ऐसे याद कर सकते हो आप कुछ एक पॉइंट्स पे जैसे कि थीटा ज़ीरो अगर थीटा ज़ीरो होता है तो कॉस्ट ज़ीरो इज वन सो आर इज़ ज़ीरो सो थीटा ज़ीरो पे आर ये वाला पॉइंट है दिस इज ओरिजिन देन थीटा पाई बाय टू पे देखो थीटा पाई बाय टू पे कॉस्ट जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है सो वन माइनस जीरो इज वन सो आर इज़ इक्वल टू ए सो थीटा इज इक्वल टू फाइव बाई टू पर ए देखो ये ए वैल्यू है इसकी और देखो अगर थीटा को माइनस फाइव बाई टू ले लेते आप नो नॉट माइनस फाइव बाय टू थीटा को अगर हम थ्री फाइव बाय टू लेते तो कॉस्ट थ्री फाइव बाय टू इज अगेन ज़ीरो सो थ्री बाय बाय टू नीचे और आर की वैल्यू आ गई ए थ्री बाय बाय टू ऐसे आएगा ना एंगल और आर की वैल्यू थीटा को पाई लिया इन्होंने थीटा को पाए लेने से कॉस पाई होता है माइनस वन सो आर इज इक्वल टू टू ए सो थीटा इज इक्वल टू पाई पे आर इज इक्वल टू टू ए सो वी हैव टू फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस कार्डियोइड सो पोलर कोऑर्डिनेट्स में एरिया इज गिवन बाय आर डी आर डी थीटा थीटा so, आपको गिवन है तो आर की लिमिट्स तो यही होगी ना फिर इसका मतलब आर की लिमिट्स होगी जीरो टू ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा अब आपने देखना है थीटा की लिमिट्स क्या लोगे वैसे तो थीटा आपका पूरे कर्व में जीरो टू टू पाई आ रहा है तो आप जीरो टू टू पाई भी ले सकते थे लेकिन अगर आप देखो कि थीटा इज ये वाली लाइन की जरूरत नहीं है ये लाइन इन्होंने ऐसे ही लगाई है आप इस लाइन को एलिमिनेट कर सकते हो ये वाली लाइन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ गलती से लगा दी है इन्होंने सो आई वाज़ सेइंग कि ये जो कर्व है ये थीटा इज इक्वल टू पाई ये है ना थीटा इज इक्वल टू पाई वाली लाइन इसके अबाउट सिमेट्रिकल है सो so, इसीलिए इन्होंने टू टाइम्स लिमिट्स थीटा की जीरो टू पाई ले लिया है अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप डायरेक्टली जीरो टू टू पाई भी ले सकते हो वो भी बिल्कुल ठीक है सो नेक्स्ट इज सिंपल इंटीग्रेशन आर की इंटीग्रेशन आर स्क्वेयर बाय टू आ गई लिमिट्स पुट की हैं लिमिट्स पुट करने के बाद आंसर क्या आ रहा है हमारा ए स्क्वायर इंटू वन माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर सो वन माइनस कॉस थीटा को लिख दिया टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू सो so, ये बन गया फोर एज पर बाहर साइन फोर थीटा बाय टू सो इसमें देखो अगर मैं थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करती हूँ ओके okay, नहीं मैं एक्चुअली में रिडक्शन फॉर्मूला लगाना चाह रही थी सो रिडक्शन फॉर्मूला के लिए लिमिट्स जीरो टू पाई बाय टू चाहिए होती हैं बट यहाँ पे थीटा भी चाहिए होता है तो so, सबसे पहले इन्होंने थीटा बाई टू को ही टी पुट कर दिया सो थीटा बाई टू को टी पुट करने से थीटा टू टी आ गया डी थीटा टू डी टी आ गया सो जीरो टू पाई पे टी की लिमिट्स जीरो टू पाई बाय टू आ गई सो so ये बन गया तो ये अपने आप ही इंटीग्रेशन की लिमिट्स जीरो टू पाई बाई टू आ गई तो अब हम इसमें रिडक्शन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं सो so, रिडक्शन फार्मूला क्या होगा फोर नीचे से स्टार्ट होता है फोर थ्री टू वन क्योंकि लिमिट्स पावर इवन है तो इन टू फाइव बाई टू भी आएगा सो आंसर इज थ्री बाय टू पाई ए स्क्वायर सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द एरिया इज क्लियर टू यू ना नेक्स्ट इज वॉल्यूम सो ट्रिपल इंटीग्रेशन जब भैया हमने अगर किसी रीजन का वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे सिंपल डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द गिवन रीजन जो भी हमें रीजन बना है सो कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स में डी एक्स डी वाई डी जेड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या थे जब हम एक्स को आर कॉस थीटा वाई को आर साइन थीटा और जेड को जेड ही रहने देते हैं इसके उस केस में जिकोवियन क्योंकि आर आता है तो वॉल्यूम हो जाता है आर डी आर डी थीटा डी फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या था आर कॉस थीटा साइन फाइ वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाइ एंड जेड इज इक्वल टू आर कॉस फाइ तो उसमें हमने देखा था जेकोबियन क्योंकि आर स्क्वायर साइन फाइ आता है तो वॉल्यूम विल बी आर स्क्वायर साइन फाइ डी आर डी फाइव डी थीटा सो प्रूव दैट द वॉली ऑफ द एलिप्सॉइड इज फोर पाई बाई थ्री पा ए बी सी सो वॉल्यूम ऑफ द एलिप्सॉइड निकालना है आपने तो हम क्या करेंगे सिंपल ओवर द गिवन वॉल्यूम भी डी एक्स टी वाई डी सेट सो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले देखा था कि जब भी हमारे पास इलिप्सॉइड होता है क्योंकि इसमें अगर आप इंटीग्रेशन के लिमिट्स यहाँ से निकालोगे तो आपके पास काफी कॉम्प्लिकेटेड आंसर आएगा तो हमने क्या कर लेना पहले इनको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के लिए पुट एक्स बाय ए इज यू वाई बाय बी इज वी एंड जेड बाय सी इज डब्ल्यू सो जब आप ये लिमिट लिमिट्सूट ये सब्सिट्यूशन करोगे तो इन सब्सटीट्यूशंस की हेल्प से आप जेकोबियन निकाल सकते हो दैट इज पार्शल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई जेड ओवर यू वी डब्ल्यू आता है ये निकालना आपको सो so, ये जेकोबियन निकाल के देख लेना इन्होंने पीछे करके भी दिखाया हुआ है जब आप ये जेकोबियन की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा ए बी सी सो यानी कि ये जो हमारा इंटीग्रल था ये क्या बन गया ए बी सी डी यू डी वी डी डब्ल्यू ओवर द स्फीयर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन अभी भी अगर हम यहाँ से लिमिट्स निकालेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड लिमिट्स आएंगी सो नाउ वी आर चेंजिंग दैम टू द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स बाय यूजिंग यू इज इक्वल टू आर कॉस थीटा साइन फाइव वी इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाइव एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू आर कॉस फाइव सो इसमें आपको पता है आर के लिमिट्स जीरो टू वन क्योंकि यहाँ पे स्फेयर का रेडियस वन है थीटा होता है ज़ीरो टू टू और फाइव होता है जीरो टू पाए और जिकोबियन अगेन इन्होंने निकाल के नहीं दिखाया है क्वेश्चन में बट तो आपने निकाल के दिखाना है सो so, जुकोबियन यहाँ पे आपका क्या आएगा पार्शल डेरिवेटिव ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाइव सो इसको सॉल्व करके आर स्क्वायर साइन फाइव जुकोबियन आता है सो यू विल बी गेटिंग आर स्क्वायर साइन फाइव डी आर डी थीटा डी फाइव अब क्योंकि इसमें आर थीटा फाइव तीनों के लिमिट्स कॉन्स्टेंट है सो दिस ट्रिपल इंटीग्रेशन कैन बी रिटर्न एज

थोड़ा सा इजी बनाने के लिए जस्ट उन्होंने प्लेन को एक्स ए वाई बाय बी देखो आना क्या था यहाँ पे क्योंकि अगर मैं इसको कुछ भी चेंज ना करती सो so, क्योंकि टेट्राहेड्रन हमने निकालना है बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन सो लिमिट्स क्या आती हैं आपकी सबसे पहले अगर मैं जेड की लिमिट की बात करूँ तो जेड की लिमिट्स आएंगी ज़ीरो टू यहाँ से जेड की वैल्यू निकालोगे आप सो वन माइनस एक्स बाय ए माइनस वाई बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी उसके बाद वाई की लिमिट्स क्या आएंगी ज़ीरो टू यहाँ से अब जेड ख़त्म हो गया सो so, वाई की वैल्यू क्या आ रही है वन माइनस एक्स बाय ए इंटू बी एंड देन फाइनली एक्स की लिमिट्स क्या आ जाएंगी वाई भी ख़त्म हो गया सो ज़ीरो टू ए इंटू डी सबसे पहले हमने जेड की लिमिट्स निकाली हैं सो डी जेड डी वाई डी एक्स आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो सिंपली इसको सॉल्व करके देख लेना यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर जब आप विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर वन आएगा सो so, ये आ जाएगा वन माइनस एक्स बाय ए माइनस वाई बाय बी फिर इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई तो यहां आ जाएगा वाई यहां आ जाएगा वाई यहां बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू फिर आप ये वाली लिमिट्स पुट करोगे वाई की जगह बी इंटू वन माइनस एक्स बाय ए सो फाइनली आपके पास जीरो टू बी इंटू वन माइनस एक्स बाय ए है सो जीरो पुट करने से तो सारा जीरो ही बन रहा है तो वाई को जब हम बी इंटू वन माइनस एक्स बाय ए करेंगे तो वाई एलिमिनेट होके एक्स में इंटीग्रेशन आ जाएगी एंड देन फिर आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम जीरो टू ए तो अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करते हो वो भी बिल्कुल ठीक है इन्होंने क्या किया है ईजी बनाने के लिए एक्स बाई ए को कैपिटल एक्स वाई बाई बी को कैपिटल वाई जेड बाई सी को कैपिटल जेड पुट कर लिया है सो so, अब जो यहाँ डी एक्स टी वाई डी जेड था वो यहाँ पे कैपिटल डी एक्स टी वाई डी जेड आ जाएगा और इस रिलेशन से हम जेकोबियन निकालेंगे जो इन्होंने निकाल के नहीं दिखाया पर आपको निकालने के दिखाना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल एक्स वाई जेड सो जब आप जेकोबियन निकालोगे तो ए बी सी आ जाएगा तो देखो अब वही है अब इन्होंने सबसे पहले एक्स की लिमिट्स निकाली हैं सो तो यहाँ से एक्स की लिमिट्स क्या हो गई जीरो टू वन माइनस वाई माइनस जेड फिर वाई की लिमिट्स निकालने के लिए एक्स खत्म हो गया सो ज़ीरो टू वन माइनस जेड और फिर जेड की लिमिट्स आ गई ज़ीरो टू वन सो सिंपल इंटीग्रेशन है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको आप चाहो तो ये सब्सटिट्यूशनस कर सकते हो और आप नहीं चाहते ये सब्सिट्यूशन करना तो आप डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो आंसर सेम आएगा लेट एस सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल फाइंड द वॉ्यूम ऑफ द टेट्रहाड्रन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स देखो ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन जस्ट इसकी स्टेटमेंट डिफरेंट है आपको पता है एनी प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए जीरो 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 बी जीरो 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 सी इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की क्वेश्चन यही आ जाती है एक्स बाय प्लस वाई बाय बी प्लस एड बाई सी इज इक्वल टू वन सो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस इज गिवन बाय दिस नाउ सॉल्यूशन इज सेम एज पार्ट वन कुछ भी डिफरेंस नहीं है जस्ट उन्होंने आपको बता दिया कि वो पेपर में आपको ऐसे भी स्टेटमेंट दे सकते हैं नेक्स्ट इज थर्ड एग्जाम्पल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ ट्रंकेटेड कोन विद एंड रेडियाई ए एंड बी एंड हाइट एच सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर थ्री दे आर आस्कििंगज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रंकेटेड कॉन विद एन रेडियाई ए एन बी एंड हाई टच सो ट्रंकेटेड कौन होता क्या है कि अगर आपके पास आपको पता है आप ऐसे कौन बनाते हो अगर हम मैं इस कौन को कट कर देती हूँ यहाँ से सो ये मेरे पास बन जाता है ट्रंकेटेड कौन नाउ दे आर सेफ़ दिस ट्रंकेटेड कौन आर ए एंड बी इसका मतलब इन्होंने जैसे कि इसको ए दिस रेडिया इज ए and this radius is b and height of this truncated cone is small h so in अकॉर्डिंगली अगर मैं चलती हूँ तो इन्होंने इस is को लिया liya डी नीचे लिया a b इधर लिया है ए डैश बी डैश सो फर्स्ट ईयर में आपने कौन की इक्वेशन निकालना सीखा था बट अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ ट्रंकेटेड कौन सो so, कैसे निकाला इन्होंने देखो दे हैव कम्प्लीटेड द कोन सो ये कौन कम्प्लीट कर लिया दे आर सेइंग लेट ए डैश बी डैश बी ए एथ ट्रंकेटेड कौन विद डी वी डैश बी ओ बी इज इक्वल टू ए एंड ओ डी इज इक्वल टू एच जैसे कि मैंने अभी आपको नीचे डायग्राम बना के दिखाया था नाओट ओ जब इन्होंने कौन को कम्प्लीट कर दिया तो दे आर सेंगट ओ सी इज इक्वल टू कैपिटल एच तो पूरे कोन की हाइट को कैपिटल एच ले लिया इन्होंने सो गर्ल्स वीडियो एकदम से सेव हो गई अपने आप ही सो वी वर डूइंग एग्जाम्पल नंबर थ्री है आई टोल्ड यू की ट्रंकेटेड कोन क्या होता है एंड सो वी आर स्टार्टिंग दैट दे हैव टेकन ट्रंकेटेड कौन है इनका ए डैश बी डैश बी ए इन्होंने कौन को कंप्लीट कर दिया एंड दे हैव टेकन दैट ओ सी इज इक्वल टू कैपिटल एच नाउ इन ट्राएंगल सी डी बी डैश आई होप दिस इज विजिबल टू यू ट्राएंगल सी डी बी डैश इज सो इन ट्राएंगल सी डी बी डैश एंड ट्राएंगल सी ओ बी सो क्लियरली दे आर इक्वी एंगुलर ट्रा एंगल्स एंड दे आर सिमिलर so we can write DC over OC is equal to DB dash over OB अब देखो DC किसके equal है हमने OC को capital H लिया हुआ है तो DC can be written as OC minus OD OC को हमने capital H लिया है और OD हमें small H given है so DC की value आगी capital H minus small H OC की value हमने capital H ली हुई थी is equal to DB dash is बी एंड ओ बी इज इक्वल टू ए सो यहां से इन्होंने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके और ये कैपिटल एच की वैल्यू निकाल लिया ए एच ओवर ए माइनस बी नाउ लेट पी एक्स वाईज एट बी एनी पॉइंट ऑन द ट्रंकेटेड कॉन लेट बी वी एनी पॉइंट वी ड्रॉ पी एम प्रपैंडुलर ओ सी सो ट्राइंगल सी एम पी एंड ट्राइंगल सी ओ बी आर इक्विंग एंगुलर अगेन एंड एंड सिमिलर सो यहां से अगेन मैं लिख सकती हूँ एम पी ओवर ओ बी इज इक्वल टू एम सी ओवर ओ सी सो एम पी अगेन किसकी को लम पी इज हमें क्योंकि ओ सी हमारा जेड एक्सीज है सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एम पी निकाल सकते हैं हम एक्स माइनस जीरो की देखो एम जो है दैट इज़ एनी पॉइंट ऑन जेड एक्सिस सो एम के कॉर्डिनेट्स हो जाएंगे जीरो जीरो जेड तो एम पी क्या हो जाएगा एक्स माइनस जीरो की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो की होल स्क्वायर प्लस डेड माइनस जेड की होल स्क्वायर सो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया ओवर ओ बी ओ बी क्या है ओ बी है हमारा स्मॉल इज इक्वल टू एम सी सो एम सी क्या होगा क्योंकि हमने एम के कोऑर्डिनेट्स जीरो जीरो जेड लिए हैं दैट इज़ एम इज एनी पॉइंट ऑन जेड एक्सिस तो इसका मतलब ओ एम इज इक्वल टू जेड है तो सी एम क्या हो जाएगा कैपिटल एच माइनस जेड एंड ओ सी इज इक्वल टू कैपिटल एच तो हम लेके ही चले हैं सो so, यहाँ से इसको ए इंटू वन माइनस जेड बाई एच लिखा अब कैपिटल एच की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे सो so, ये कैपिटल एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की ये हमने लिया एलसीएम स्क्वेयरिंग करके फाइनली दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ट्रंकेटेड कोन सो नाउ वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ दिस ट्रंकेटेड कोन सो मैं क्या करूंगी वॉल्यूम इज गिवन बाय dx dy dz सो so, dx डी dz में लिमिट्स देखनी है अब हमने क्या होंगी तो लेट वी वी द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रंकेटेड कौन सो ये इक्वेशन आ गई ट्रंकेटेड कौन की सो एक्सक्वेर प्लस वाई स्क्र लेस देन इक्वल टू लिखते हैं हम यहाँ पे क्योंकि कौन का अंदर वाला पोर्शन है एंड जेड लाइज बिटवीन जीरो टू एच ओ डी जो था वो एच था यहाँ तक है हमारा ट्रंकेटेड कौन का पोर्शन सो so, अब यहां से एक्स स्क् प्लस वाई स्क्वर इज इक्वल टू दिस सो so, ले लिया एक्स लाइज बिटवीन देखो क्या करेंगे आ, सबसे पहले इन्होंने निकाला है इन्होंने क्या किया देखो इसको पूरे को ए एच माइनस ए बी जेड बाई एच सो यहाँ ये जो माइनस वाई स्क्वायर करेंगे जब इसको सो so, ये माइनस वाई स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जानी है सो so, इसको पूरे को इन्होंने बोल दिया एक्स वन आई एम रिपीटिंग यहाँ पे ध्यान से देखो लिमिट्स कैसे निकालनी है जब ये वाला रीजन है ना जैसे अगर आपके पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर तो आप क्या करते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करते हो सो वही किया है इसको पूरे को माइनस ये वाला जो वाई स्क्वायर था ये इधर चला जाएगा और क्योंकि स्क्वायर है तो इस पूरे का आ गया अंडर रूट सो इसको बोल दिया एक्स वन एंड फर्दर ओके जिसको मैं आर स्क्वायर बोल रही हूँ एक्चुअली इन्होंने इसको नाम दिया है वाई वन स्क्वायर अगर हमारे पास वे आर डूइंग इसको दे आर राइटिंग एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई वन स्क्वायर ये देखो वाई वन को बोल दिया ए एच इंटू ए माइनस बी जेड बाई एच तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई वन स्क्वायर बन गया सो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई वाई वन स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सो एक्स की लिमिट्स आ जाएंगी माइनस एक्स वन टू एक्स वन और वाई की लिमिट्स आ गई माइनस वाई वन टू वाई वन तो यहाँ पे अगर आप, आप देखो तो वाई वन जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ जेड एंड एक्स वन इज अ फंक्शन ऑफ वाई मतलब जब आप लिमिट्स पुट कर रहे हो माइनस एक्स वन टू एक्स माइनस एक्स वन टू प्लस एक्स वन तो उसमें वाई आ रहा है और फिर आप लिमिट्स करोगे माइनस वाई वन टू एक्स ख़त्म हो जाएगा ना वाई के टर्म्स में आंसर आ गया फिर हम वाई की लिमिट्स लेंगे माइनस वाई वन टू प्लस वाई तो वाई भी खत्म होके जेड आ जाएगा और फिर हम जेड की लिमिट्स लेंगे जीरो टू एच सो इस तरह से करके ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम बन गया इनका डी एक्स डी वाई डी जेड और आप देख सकते हो इन्होंने सबसे पहले एक्स की लिमिट्स ली है माइनस एक्स वन टू एक्स वन फिर वाई की माइनस वाई वन टू प्लस वाई वन और फिर जेड की जीरो टू एच सो एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन हो गई वन एक्स वन टू माइनस एक्स वन जब आप लिमिट पुट करोगे उसमें तो वो टू एक्स वन बन जाएगा अब क्योंकि एक्स वन में वाई आ रहा है तो यहाँ पे हमने एक्स वन की वैल्यू पुट कर दी अंडर रूट वाई वन स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जिसकी लिमिट्स है माइनस वाई वन टू प्लस वाई वन सो इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है y इन टू अंडर रूट वाई वन स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस वाई वन स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स वाई बाई ए लिमिट्स है माइनस वाई वन टू वाई वन सो एक बार वाई वन पुट किया फिर माइनस वाई वन पुट किया करके सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आ गया अब वाई वन की वैल्यूज पुट कर देंगे क्योंकि उसमें z आ रहा है और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे सो so, इसकी इंटीग्रेशन में क्यूब बाई थ्री इंटू कोफ़िशियट ऑफ z लिमिट्स ज़ीरो टू h सो so, ये वाली पूरी टर्म को ये बाहर ले आए हैं यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे एक बार जेड को एच पुट करेंगे और एक बार जेड को जीरो पुट करेंगे सो so, इसको फाइनली सॉल्व करके दिस इज द आंसर तो ये तो सारा कैलकुलेशन पार्ट है जो आपको आता है अच्छे से तो अपने हाथ से आप करके देखो कैलकुलेशन सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम ऑफ द ट्रंकेटेड कोन विल बी गिवन बाय डी एक्स टी बाई डी जेड ओवर द गिवन कोन तो उसके लिए हमें ट्रंकेटेड कोन की इक्वेशन चाहिए थी तो फर्स्ट पार्ट में जो हमने ट्रंकेटेड कोन की क्वेश्चन निकाली है दैट इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट नाउ लेट कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर फोर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन्स टू एक्स प्लस वाई प्लस दैट इज इक्वल टू टू एंड टू एक्स प्लस वाई प्लस दैट इज इक्वल टू फोर सो so, आपको क्लियरली इक्वेशन ऑफ द प्लेन से पता लग रहा है कि ये पैरल प्लेन्स की इक्वेशंस हैं क्योंकि जब हम प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी तो एल एम एन आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन सो इसमें देखो एल एम एन दैट इज एक्स वाई और जेड के कोफिशियंस दोनों प्लेन्स में सेम है दैट मीन्स बोथ द प्लेन्स आर हैविंग पैरल नॉर्मल्स दैट मीन्स द प्लेन दम सेल्व आर पैरल सो so, ये डिटेल में हमने सॉलिड ज्योमेट्री में पढ़ा भी हुआ है कॉन्सेप्ट सो नाउ सीन्स दीज प्लेन्स आर पैरल अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँ ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा कि अगर ये एक प्लेन है तो दूसरा प्लेन यहाँ पे ऐसे है सो पैरल प्लेन्स हैं सो यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स इसका मतलब हमने सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट कंसीडर करना है

तो इस प्लेन से इस प्लेन तक एक्स की लिमिट्स आएंगी ऐसे ऐसे ही वाई की लिमिट्स लूंगी तो भी इस वाले प्लेन से ऊपर वाले प्लेन तक आएगी एंड जेड की लिमिट्स लूंगी तो भी इस प्लेन से दूसरे प्लेन तक आएगी आई एम रिपीटिंग एक्स की लिमिट्स भी लोअर प्लेन टू अपर प्लेन वाई की लिमिट्स भी लोअर प्लेन टू अपर प्लेन और जेड की लिमिट्स भी लोअर प्लेन टू अपर प्लेन सो so, एक तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता ही है कि नीचे वाला प्लेन कौन सा है और ऊपर वाला कौन सा है वो हमें कैसे पता लगेगा वो हमें पता लगेगा जब हम एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी लिखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन देन दिस डी गिव्स अस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन बिकॉज देखो अगर आप इस प्लेन का डिस्टेंस निकालो फ्रॉम द ओरिजिन से तो आप इसमें जीरो 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 पुट करोगे पॉइंट तो जीरो जीरो ज़ीरो पुट करने से टू ओवर देखो नीचे क्या आ रहा है फोर अंडर रूट सिक्स आ जाएगा ठीक है ये इसलिए आ रहा है अंडर रोड सिक्स क्योंकि एलेक्स प्लस एम बाई प्लस एनजर इक्वल टू डी में डी रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द फ्रॉम द ओरिजिन इफ एल ए मेन आर द डायरेक्शन कुछ साइंस बट क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्शन रेशोज थे सो तो पर डिस्टेंस आपका टू बाई अंडर रूट सिक्स आ रहा है ऐसे आप इसका प्रपैंडुलर डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से तो आपका आंसर फोर बाय अंडर रूट सिक्स आ जाएगा तो क्लियरली ये डिस्टेंस इससे बड़ा है सो so, इसका मतलब ये वाला प्लेन दूर है ये वाला प्लेन फोर वाला प्लेन दूर है और टू वाला प्लेन ये वाला है सो so, ये लोअर प्लेन बना और ये अपर प्लेन बना हमारे पास सो नेक्स्ट इज इजी सो इन्होंने सबसे पहले z की लिमिट्स निकाली है सो so, लोअर प्लेन से z की लिमिट्स आ जाएंगी टू माइनस टू एक्स माइनस वाई और अपर से आ जाएगी फोर माइनस टू एक्स माइनस वाई ऐसे ही z के बाद इन्होंने निकाली y की लिमिट्स तो आप z खत्म कर दोगे y की लिमिट नीचे वाले प्लेन से आएगी टू माइनस टू एक्स और अपर प्लेन से आएगी फोर माइनस टू एक्स एंड देन फाइनली रहेगी x, सो so x की लिमिट लोअर प्लेन से आएगी वन और अपर प्लेन से आएगी टू सो हैव जस्ट सीन इन्होंने ऐसे नहीं किया देखो आपके पास अगर मैं इसको टू में समझाने की कोशिश करूँ आपको ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है अगर आपके पास ऐसे दो पैरल लाइन्स हैं और आपको इस रीजन पे इंटीग्रेशन करनी है तो आप क्या करोगे इस रीजन पे इंटीग्रेशन करने के लिए ओके देखो प्रॉब्लम आएगी अगर हम इसमें देखो डबल इंटीग्रेशन कर रहे होते तो क्या प्रॉब्लम आती कि जब मैं एक्स की लिमिट्स ले रही हूँ तो मैं वर्टिकल लाइन ड्रा करती हूँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से यहाँ पे तो x की लिमिट्स कुछ और आ रही हैं और यहाँ पे x की लिमिट्स कुछ और आ रही है सिमिलरली y के लिए भी यहाँ पे y के लिमिट्स कुछ और हैं और यहाँ पे y के लिमिट्स कुछ और हैं सो so, यानी कि डायरेक्ट लोअर प्लेन टू अपर प्लेन करने से हमारे पास रीजन्स जो हैं वो अलग अलग बन रहे हैं सो दैट इज़ वाई इन्होंने ऐसे लिमिट्स नहीं ली जो कि मैं अभी आपको बता रही थी सो वट दे आर डूइंग ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये दो पैरेलल लाइंस। सो अगर मैं ये अपर वाले पूरे प्लेन का वॉल्यूम निकाल लूँ और उसमें से लोअर वाले प्लेन के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो आई विल बी लेफ्ट विद द वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन सो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया तो आई होप आपको समझ आ गया आप कि जैसे मैं बोल रही थी वैसे लिमिट्स इन्होंने इसलिए नहीं ली क्योंकि ये तो टू डी में मैंने आपको बना के दिखाया है ऐसे ही थ्री डायमेंशन में जब आप पैरेलल प्लेन्स की लिमिट्स फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट फ्रॉम लोअर प्लेन टू अपर प्लेन लोगे तो आपके पास रीजन्स अलग अलग बनेंगे जिनमें कि अलग अलग लिमिट्स आनी थी ठीक है सो वट दे आर डूइंग इन्होंने ये देखो पहले अपर प्लेन जो कि ये है इसका वॉल्यूम निकाल लिया डी दी एक्स डी वाई डी सेट करके सो so, इसका पूरा वॉल्यूम क्या आ जाएगा जेड के लिमिट्स जीरो टू फोर माइनस टू एक्स माइनस वाई फिर वाई के लिमिट्स जीरो टू फोर माइनस टू एक्स और फिर एक्स के लिमिट्स जीरो टू टू और फिर उसमें से लोअर प्लेन के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दिया सो so, ये लोअर प्लेन के लिमिट्स यहाँ से बन रही हैं सो so, जिससे अपर पूरा वॉल्यूम माइनस लोअर वॉल्यूम करने से वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड वॉल्यूम बिटवीन द टू प्लेन्स

सो so, क्या करेंगे हम देखो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज सिंपली डी एक्स टी वाई डी जेड तो हमने ओवर द गिवन रीजन जब इंटीग्रेशन करनी है तो देखो यहाँ पे तो जेड आ ही नहीं रहा आपको पता है सिलेंडर में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू फोर सर्कल बनता है जो वो पूरा जेड एक्सिस पे बनता है ऐसे सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जाएंगे तो हमारे पास सिलेंडर बन जाता है ऐसे पूरा ठीक है ना अब ये सिलेंडर उन्होंने बोला है इस कट बाय द प्लेन z इज इक्वल टू तो जीरो यानी कि एक तो एक्स वाई प्लेन एंड वाई प्लस जेड इक्वल टू तो फोर सो तो ये दूसरे प्लेन की इक्वेशन है सो तो देखो z की लिमिट्स अब क्योंकि यहाँ पे तो z है ही नहीं तो z की लिमिट्स तो डेफिनेटली यहाँ से आएंगी सो तो z की लिमिट्स यहाँ से क्या आ गई ज़ीरो टू फोर माइनस वाई तो सबसे पहले देखो इन्होंने भी z की लिमिट्स ली हैं जीरो टू फोर माइनस वाई अब जब आप z का रोल तो खत्म हो गया अब हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू y करें या z करें क्योंकि z के लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ y है सो इट्स बेटर टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट सो so यहां से y की वैल्यू क्या आ जानी थी फोर माइनस एक्स स्क्वायेयर अंडर रूट प्लस माइनस सो दे आर टेकिंग माइनस अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायेर एंड फाइनली एक्स स्क्र इज इक्वल टू टू सो एक्स की लिमिट्स आ गई माइनस टू टू प्लस टू सो डी जेड की इंटीग्रेशन z लिमिट्स उसमें पुट कर दी फोर माइनस वाई ये आ गया <coughs> फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो फोर वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई टू इसमें देखो आप चेक कर सकते थे कि ये इवन फंक्शन बन रहा है या नहीं ना तो ये इवन फंक्शन बन रहा है ना ऑड क्योंकि जब आप फोर माइनस वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करोगे तो फोर प्लस वाई बनेगा ठीक है ना सो इट इज नीदर इवन नॉर ऑड तो कोई इसमें प्रॉपर्टी नहीं लग सकती हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन की तो सिंपली इंटीग्रेट करके उन्होंने लिमिट्स पुट की हैं सो लिमिट्स पुट करने के बाद ये आ गया इनका इसको सॉल्व कर लिया इन्होंने इसको सॉल्व करने के बाद दे आर गेटिंग माइनस टू 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 एट टाइम्स फोर अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्र का अंडर अब इसमें अगर मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूँ तो फंक्शन सेम रहेगा सो दैट मीन्स इट इज एन इवन फंक्शन सो अब मैं प्रॉपर्टी लगा सकती हूं टू टाइम्स जीरो टू टू करके सो so इसकी इंटीग्रेशन हमें आती है सो so ये इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट की हैं जीरो टू टू सो आंसर इज कमिंग टू बी सिक्सटीन नेक्स्ट इज फाइंड द वॉल्यूम कॉमन टू द सिलेंडर्स एक्स स्क्र प्लस वाई स्कोर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क् प्लस एड्स कोर इक्वल टू ए स्क्वायर सो so, देखो एक है आपके पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वायर यानी कि एक्स वाई प्लेन में अगर हम सिलेंडर बनाए तो ऐसे बन जाता है हमारा और जब आप इधर एक्स एक्सिस ले रहे हैं और इधर वाई एक्सिस ले रहे हैं अब जब मैं दूसरा सिलेंडर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अब ये देखो थ्री डी में बनाना मुश्किल है तो अगर ये जेड एक्सिस है अब जेड एक्स प्लेन में हम जब सिलेंडर बनाएंगे तो वो इस तरह से बनेगा सो अब अब यहाँ से जब लिमिट साइन करने की कोशिश करोगे तो देखो ये जो सिलेंडर है ये वाला इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्कोर इक्वल टू ए स्क्वायर तो यहाँ से हमें वाई के लिमिट्स मिलेगी इस सिलेंडर के लिए सो वाई के लिमिट्स आर यहाँ से वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायेयर करेंगे ऐसे है ना वाई के लिमिट वाई के लिमिट्स के लिए सॉरी ऐसे है हमारे पास सो वाई स्क्ोयर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्र करेंगे ये किया इन्होंने यहाँ से वाई स्कोर इक्ल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायेयर सो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क् इसको बोल दिया प्लस माइनस वाई वन सिमिलरली जेड की लिमिट्स के लिए यहाँ से एक्सक्वायर प्लस जेड स्कोर इक्वल टू ए स्क्वायर सो जेड कैन बी रिटन एज प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायेर दैट इज प्लस माइनस जेड वन और एक्स की लिमिट्स ये क्लियरली जब आप एक्सक्र प्लस वाई स्कोर इक्वल टू ए स्क्वायर कर रहे हो तो वाई जीरो क्यों हो गया क्योंकि हम यहाँ से वाई की लिमिट तो निकाल चुके हैं अब सो so, यहाँ से फिर एक्सक्र इक्वल टू ए स्क्वायर रह गया सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए सो ये लिमिट्स आ गई एक बार लिमिट्स आ गई हैं तो रेस्ट इंटीग्रेशन इज वेरी इजी सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू जेड करके टू जेड वन टू जेड वन की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दोगे तो वो आ रही है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो क्योंकि उसमें वाई नहीं आ रहा तो so, इसीलिए उन्होंने उसको टू जेड वन ही रहने दिया टू जेड वन कॉन्स्टेंट हो गया और फिर डी वाई यानी कि वन डी वाई की इंटीग्रेशन आ गई वाई जिसमें जब आप लिमिट्स करोगे तो टू वाई वन सो ये बन गया फोर वाई वन जेड वन अब वाई वन और जेड वन दोनों में एक्स है सो so, इसीलिए ये वैल्यूज पुट कर दी वाई वन और जेड वन दोनों सेम आ रहे हैं क्योंकि हमारे तो ये बन गया अब ये क्योंकि इवन फंक्शन है तो टू टाइम्स लिमिट्स हो गई जीरो टू है इसकी इंटीग्रेशन इजी है इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट करके सिक्सटीन बाई थ्री ए के आंसर नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर सेवन फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द प्लेन्स एक्स जीरो वाई ज़ीरो जेड ज़ीरो एंड टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड इक्वल टू वन सो ये क्वेश्चन मुझे लगता है बिल्कुल सेम है आपका जो हमने किया था ये सेकेंड एग्जाम्पल सो सेकेंड एग्जाम्पल में प्लेन की इक्वेशन थी एक्स बाय ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू वन और ये जो सेवन्थ एग्जाम्पल है इसमें प्लेन की इक्वेशन है टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड इज इक्वल टू वन सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस एग्जाम्पल अगेन यहाँ से आप प्रूफ देख सकते हो उसका वॉल्यूम इज गिवन बाई डी एक्स डी वाई डी जेड सो so, कैसे इन्होंने लिमिट्स ली हैं एक्स की लिमिट्स जीरो टू प्लेन की इक्वेशन में से निकाल ली एक्स की वैल्यू फिर एक्स हट जाएगा फिर वाई की वैल्यू निकाल ली प्लेन की इक्वेशन में से और फिर जेड की सो सिंपल इंटीग्रेशन है कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं ये इन्होंने इंटीग्रेशन की है येस yes. कुछ प्रॉब्लम नहीं है सिंपल इंटीग्रेशन एंड कैल्कुलेशन लिमिट्स सब्सटीट्यूट करके सो दे आर गेटिंग वन बाई वन हंड्रेड फोर्टी फोर है इसका आंसर सो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया एज वेल एज ये चैप्टर भी खत्म हो गया डबल एंड इंटीग्रेशन का सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर